राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की प्लेटिनम जुबली समापन समारोह का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, आज आप इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपका भी, आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों से जनों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इन विभूतियों का। साथ ही मंच पर विराजमान सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान उच्च दर्शक दीर्घा में विराजमान आप सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव से कि वे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को साफा बांधकर और बुके तथा मेमेंटो भेजकर उनका स्वागत अभिनंदन करें मारवाड़ की इस ऐतिहासिक धरा पर। और इस स्वागत अभिनंदन में आप सबके करतल ध्वनि के माध्यम से आप सभी शामिल हों। राजस्थान तो वैसे भी शौर्य की धरा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने और इसके लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीरों और वीरांगनाओं की ये धरा है और उसी स्वाभिमान की पहचान हमारा राजस्थानी साफा साथ में बुके और मेमेंटो जो कि प्लैटिनम जुबली समापन समारोह की स्मृतियों को सहेजे है अपने भीतर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस चंद्रशेखर जी से निवेदन है, माननीय राज्यपाल राजस्थान राज्यपाल महोदय का यहां पर स्वागत अभिनंदन करें, उन्हें भी साफा बुके और मेमेंटो भेंट कर यहां पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें माननीय राज्यपाल महोदय का। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों से जनों माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी और राज्यपाल राजस्थान। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को सहेजे पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों के बाद ये प्लैटिनम जुबली समापन समारोह माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में यहां आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज भंडारी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, उन्हें भी एक साफा बांधकर साफा पहनाकर साथ में बुके और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत उनका भी अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों से चुनो आप सबकी तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जज राजस्थान हाईकोर्ट डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी से निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना जी उनकी गरिमामय उपस्थिति है, उन्हें भी साफा पहनाकर बुके भेंट कर और एक साथ में स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन ये वंदन मारवाड़ की इस धरा पर राजस्थान प्रदेश में जोधपुर के इस नगरी में जो सूर्य नगरी के रूप में विख्यात है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत। मिस्टर जस्टिस विनीत माथुर जी से निवेदन है, मंच पर आकर राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को साफा पहनाए इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन देवियों से चलो। राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्षों की जो गौरवशाली यात्रा रही है उससे अनेक रूपों में हमने समेटने का और सहेजने का प्रयास किया है और इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है राजस्थान उच्च न्यायालय के संग्रहालय की स्थापना के रूप में। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस संग्रहालय का
उद्घाटन कर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है, वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन होगा और ये बहुत ही ऐतिहासिक, तमाम दस्तावेजों को अपने आप में समेटे रेयर फोटोग्राफ्स इसमें शामिल हैं, प्रख्यात न्यायविदों की जीवनियां जिसमें शामिल की जाएं, उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में जहां न्याय की प्रक्रिया को बहुत ही सुलभ, सरल और सुगम्य बनाने, ई कोर्ट्स, पेपरलेस कोर्ट्स, ऐसी अनेक उपलब्धियों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के 75 वर्षों की यात्रा को समर्पित एक स्मारिका का प्रकाशन भी हमने किया है और इसका विमोचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। इस स्मारिका में जिसमें तमाम ऐसी स्मृतियों को सहेजा गया है, उसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से। बहुत ही विस्तृत विवरणों के साथ अनेक स्मृतियों को इस सौवनेर में, इस स्मारिका में समाहित किया गया है, उसे शामिल किया गया है आने वाली पीढ़ियों के लिए और हम सब के लिए, जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। इसका विमोचन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के डिजिटल इंडिया से प्रेरणा लेते हुए हमने एक अनूठा आईटी प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है त्वरित। त्वरित यानी ट्रांसमिशन ऑफ वारंट एंड समन्स एंड द रिपोर्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देश में त्वरित प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर त्वरित प्रोग्राम का शुभारंभ अपने करकमलों से करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।